हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ माई सीरीज़ के बहुत ही कमाल के एक्टर्स मौजूद है, प्रशांत नारायण, राइमा सेन, अनंत, अंकुर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, बहुत दिल दहला देने वाला ट्रेलर है। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे रहे। जो फीडबैक्स मुझे मिले हैं वो कुछ कंप्लेंट्स वाले भी हैं कि मेरा कोई डायलॉग नहीं उसमें, तो लेकिन ओवरऑल जो है लोगों को ट्रेलर बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जब आपका काम जिसमें आपका ट्रेलर में ज़्यादा नहीं दिखाया लेकिन फिर भी जो है लोग पसंद कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा ही है, एंड आई एम रियली होपिंग, बिकॉज इवन आई वाज रियली शॉक टू सी द ट्रेलर। आई थॉट वाज फैंटास्टिक। आई थिंक द फर्स्ट people that I made my parents see the trailer, because for me their reaction is the most important, and they found it very, very gripping. So I think I rest my case. Yeah, similarly, everybody who saw it, they loved it. My family loved it, friends loved it. It's very gripping. Mujhe khud ko bada acha laga tha trailer dekh ke, kyunki hum log kaam karte hain to hum us nazar se dekhte nahi hain अपने काम को, मगर जब वो ट्रेलर आपके सामने आता है तो आपको खुद को ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये कुछ अच्छा बना है। तो ऐसा फील तो हुआ था देख के मुझे भी। सिमिलरली है, तो ट्रेलर इज़ माइंड ब्लोइंग। तो सब जितने लोग भी आसपास वाले थे सब यही बोल रहे थे कि इतना अच्छा, इतना ग्रिपिंग ट्रेलर हमने अभी रिसेंट टाइम्स में नहीं देखा है। तो यस, आई थिंक द फीडबैक इज मोर लेस, बल्कि कुछ फीडबैक इतना ज्यादा अच्छा आ गया है कि अब थोड़ा सा डर भी लगने लगता है कि यार ट्रेलर कहीं ज्यादा अच्छा, तो मतलब एक्सपेक्टेशन कहीं ऐसा ना हो कि उनको लगे कि अब हर सीन में मार्लन ब्रांडो ही आने वाला है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन ट्रेलर देख के जो लगता है कि यहाँ पे कोई ब्लैक या वाइट नहीं है, यहाँ पे जो भी है ग्रे शेड्स में, मैक्सिमम लोग ग्रे शेड्स में। तो जानना चाहूंगा वो कौन सी एक बात थी जस्ट व्हिच मेड यू यस फॉर द कैरेक्टर, द स्क्रिप्ट, एक कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर का कोई एक। सी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था दिव्या कि वो एक ऐसा एक कैरेक्टर है जो हु ट्रिगर्स ऑफ द एंटायर थिंग विच हैपन्स इन दिस सीरीज, एंड इट्स अ स्मॉल पार्ट बट देन इट्स अ वेरी इम्पैक्टफुल पार्ट। एंड आई थॉट दैट जनरली आई एम एसोसिएटेड विद थिंग्स विच आर लाइक रियली विद लॉट्स ऑफ फुटेज एंड लॉट्स ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑल दैट, बट दिस कैरेक्टर वॉज समथिंग विच had that spark about it, and the fact that it triggers off the entire six episodes that you're going to see. So I thought maybe, and moreover, he's referred to by all the other actors and he's a very pivotal point in the changes which happen in the series. So I thought I should try doing something like that also. And moreover, it's a platform which is like Netflix. So I thought, it's a very interesting way to come on to Netflix. For me, I think Neelam was a very interesting character. I have not played a character like Neelam before, and for me it was a huge change to what I have been doing in the past. So this was, it was a challenge of sorts for me to pull off Neelam, but I found her very interesting. Mere kirdar ka naam Prashant hai, and जी हाँ, मतलब वो दिस कन्फ्यूजन यूज टू हैपन लॉट ऑन सेट्स। वो प्रशांत बोलते थे तो आई ऑल्सो यूज टू रिएक्ट ऑन सर भी। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव गॉट एन ऑथर बैक रोल, सो दिस इन इटसेल्फ वाज अ वेरी वेरी बिग, आई वाज वेरी हैप्पी। एंड ऑल्सो आई थिंक कि कैरेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब वो स्क्रीन प्ले में किस तरह से अनफोल्ड होता है। So more than number of scenes, if that character is on the pivotal points of the screenplay, और वहाँ वो उसकी unfolding बहुत अच्छे से होती है, वो character बड़ा यादगार रहता है। So I felt कि प्रशांत वैसा एक character है, तो मेरे पास कोई वजह नहीं थी इसको हाँ बोलने के अलावा, और कोई option भी नहीं था। फारूक का भी ऐसा ही है कि इसका जो ग्राफ दिखाया गया था, जो स्क्रिप्ट में आया था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग था मेरे लिए। तो जैसे जैसे मुझे ज़्यादा इसकी बारीकियों के बारे में समझाया गया डायरेक्टर द्वारा, तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगने लगा। एंड एट वन पॉइंट आई वाज रियली थिंकिंग विल आई बी एबल टू पुल इट ऑफ, बट देन द कॉन्फिडेंस ऑफ डायरेक्टर हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस। और ऑल्सो क्योंकि ये कैरेक्टर एक ऐसा थ्रेड है बिटवीन ऑल द अदर वर्ल्ड्स, ही इज़ समवेयर अ सेंट्रल पॉइंट विच इज़ कनेक्टेड टू एवरीबडी इफ आई थिंक अबाउट द शो, सो इन इट्स टोटैलिटी। तो मुझे लगा यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इसकी इतनी लेयर्स हैं, तो
जैसा कि इसने कहा, हाँ कहने के सिवा तो किसी का कुछ चांस ही नहीं था. तो या लेकिन यू नो, हमारे यहाँ पे अगर थ्रिलर्स की बात करेंगे तो एक वक्त था जब विजय आनंद साहब थ्रिलर बनाते थे, राज खोसला बनाते थे, उसके बाद थोड़ा कमर्शियल फॉर्मेट में वी एड अब्बास मस्तान, श्रीराम राघवन, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस जॉनरा में बहुत कम काम हुआ है. इवन OTT पे जब शुरुआत हुई थी बहुत अच्छे अच्छे थ्रिलर्स बने थे, अगेन वहाँ भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया. तो जानना चाहूँगा क्या रीज़न है दैट हमारे यहाँ पे इंडिया में कम थ्रिलर्स बनते. मुझे ऐसा लगता है कि जो the Indian audience generally wants all the main actors to dance and sing, you know, unko jab tak wo ye log nachenge nahi gayenge nahi tab tak jo hai unko entertainment samajh mein nahi aata hai. But the best thing about all the OTT platforms is that, you know, that slowly and steadily things are changing like that. The mental state of people, I mean, you can see the kind of crap which was there in the 70s, 80s, 90s, 2000s. 80% stuff was crap, you know, and they also know, jin jin ne wo crap kiya hai, sabko malum hai ki bahut khul ke humne kiya hai, aaga hai, you know, so abhi jo hai, iski wajah se jo hai, ye thrillers jo hai, aur ye sab mein jo hai, in sab ka chances kam hai, un logon ko lagta hai ki matlab isi se entertainment hota hai, isi se sab hota hai, aisa nahi hai. आप एक अच्छा स्क्रिप्ट दो, एक अच्छा सेटअप दो, अच्छे एक्टर्स, अच्छे डायरेक्टर, राइटर, यू नो, इवन इफ देयर इज नॉट अ म्यूजिक डायरेक्टर, इवन इफ देयर इज अ गुड बैकग्राउंड म्यूजिशियन, यू नो, आप एक एंटरटेनिंग दो घंटा जो है आप आराम से ये बिना ये तामझाम के आप कर सकते हो. तो लेकिन स्लोली एंड स्टेडली, यू नो, दिव्या, इट इज़ हैपनिंग, यू नो, सो मे बी, यू नो, मे बी माई माइट जस्ट बी द बिगनिंग ऑफ सेटअप वे, यू नो, लाइक, यू नो, वे वी आर creating more thrillers, more interesting stories and formats, you know. I think because they haven't made it, because it depends on the audiences. Maybe, you know, it wasn't really working, so they didn't make enough. But I guess now it is with these OTT platforms, so they are making them. But I feel somebody needs to take that bold step, and I'm very happy that the makers are being backed up by like such strong producers and something like Netflix to come out in the open and just experiment and feed the audience with their own ideas, which are so new and raw. And if you don't feed the audience with new ideas, how else will they be ready to like be receptive on their end? So मेरे ये भी मानना है कि हम कैसे feed कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनकी बन चुकी है already appetite की बॉस, हमें यही देखना है. अब इसके अलावा कुछ नया आ जाता है तो वो एकदम बौखला सा जाते हैं. But slowly and steadily, like how Prashant said, maybe my is the starting point of this, and God willing that happens, because this will also be a starting point for a lot of other makers to go out in the open and have trustworthy backers for their own like stories. So yes, I think a fresh appetite is the need of the hour. Wow. Yeah. मेरे लिए तो थोड़ा सा ये सवाल अलग है, because मुझे नहीं लग रहा कम बना है. हमें याद कम है, बना तो बहुत है. किसी भी जॉनर में हमारे यहाँ कम फिल्में या कम चीज़ें नहीं बनती, बहुत बनता है. स्पेशली इन OTT, इफ़ यू सी, अभी तो ज़्यादातर थ्रिलर की तरफ ही है सब कुछ. OTT पे ज़्यादातर सामान थ्रिलर की तरफ ही है. थ्रिलर बहुत बड़ा जॉनर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. रोमांस हो सकता है, डकैती हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट थ्रिलर इज़ बहुत बड़ा जॉनर है. आई थिंक गलती वहाँ होती है जब हम जॉनर के हिसाब से फिल्म बनाना या कहानी बनाना चाहते हैं. आपके पास कहानी पुख्ता होनी चाहिए, वो कहानी बताएगी कि मैं किस जॉनर की हूँ. मेरे ख्याल से जब हम इस सवाल को पकड़ेंगे, जैसे कि थ्रिलर कम क्यों बन रहा है या रोमांस क्या हुआ उस रोमांस का जो पहले बनता था, आइए एक रोमांस और बनाएं जैसे पहले बनता था, वहाँ आप सब फंस जाएंगे. कहानी बताएगी आपको कि ये रोमांस है या क्या है, और आप क्या वाकई में ये बात कहना चाहते हैं. सो आई थिंक दैट इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम द कोर, वट एवर काइंड ऑफ स्टोरी इट इज़, इट विल वर्क. राधा देन उसको उस तरफ से पकड़ना कि थ्रिलर कम बन रहे हैं और बनाना शुरू करते हैं, और इसी वजह से बहुत थ्रिलर्स बने हैं जो कि हमें याद भी नहीं है. लेकिन जब आप इस तरह के शो करते हैं जो बहुत ज़्यादा, यू नो, अगेन मेंटली ऑल्सो काफ़ी टैक्सिंग होता है, कि कहीं ख़त्म होने के बाद भी वो कैरेक्टर आपसे मन में चलता रहता है, तो हाउ डू यू कम आउट? कहीं वो हॉन्ट करता है आफ्टर द शो इज़ ओवर? सी, व्हेन वी आर शूटिंग, देन व्हेन यू गोइंग बैक होम, इट डजंट मेक टू मच इम्पैक्ट लाइक दैट. But when you see something of yours that you've done, you know, and you see that how much it is affecting
the other people also, you know. So you feel good about the impact that you've created. It is not just with your performance. It is also about the fact that, that how it has been shot, how the it has been edited, how it has been given the background score. Because you don't know about all those things unless and until you see the final product. So it is a good feeling if you can leave an impact anytime. But doesn't mean that it needs to be taken back home. It's an impactful performance. It's a memorable performance. And you should just feel proud about it. Rather than, you know, take it back home and beat up your wife, you know. So you're referring to your murder character. Good one. You know. I feel the same. I think I feel the same. Because I think when you finish, but you are a part of it as long as you are acting. And then once it's over, then you hand it over to the audience. हाँ ज़रूरी वही होता है आप आपको ये लग रहा होता है कि मैंने जो आज किया या जो सीन था वो करेक्ट हुआ नहीं हुआ अगर वो थोड़ा सा ख़राब होता है तो ज़्यादा सोचता हूँ मैं वैसे भी कि नहीं यार वहाँ वो चूक हो गई उतना नहीं हुआ लेकिन वो भी एक वक्त तक ही होता है आप कभी किरदार या उसकी कोई बैक स्टोरी और उसको ऐसा नहीं कि अब मैं परेशान कमरे में घूम रहा हूँ कि ओहो ये क्या हुआ था किरदार के साथ ऐसा कुछ नहीं होता आपको उसकी तैयारी करनी होती है वो तैयारी आप पहले कर चुके होते हैं और ये इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है कि क्या आप किरदार वापस लेके जाते हैं या किरदार से बाहर निकलने में कितना वक्त लगता है मेरे ख्याल से एक्टर्स ट्रेनिंग जो होती है वो एक फिल्म के दौरान भी नहीं हो सकती ना उस फिल्म से पहले हो सकती है एक्टर्स ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत सालों से चल रही होती है आपको मालूम भी नहीं होता कि ये जो अभी आप सीख रहे हैं या थिएटर में कर रहे हैं कब कहाँ कैसे काम आएगा या जो आपने बस स्टॉप पर ऑब्जर्व किया या सिनेमा हॉल के बाहर ऑब्जर्व किया ये कहाँ काम आता है बात बस इतनी सी है कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो फैकल्टी है वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ है और आप सारी चीज़ें अपने अंदर ग्रास्प कर रहे हैं और आपकी तैयारी दूसरी होती है जो चल रही होती है अब जो पर्टिकुलर काम आपको मिलता है वो काम आप उस लिहाज से करते हैं जैसे डायरेक्टर ने बताया जो स्क्रिप्ट कहती है और वो काम जब आप अच्छे से कर देते हैं उसके बाद तो बहुत खुशी खुशी घर जाता है आदमी तो फिर कैरेक्टर चाहे कितना ही वो चाहे देवदास का ही कैरेक्टर क्यों ना हो मैं आपको सच बता रहा हूँ अगर आपका सीन अच्छा होता है और आपने उस मोमेंट को अच्छे से जी लिया है आप उछलते कूदते हुए घर पहुँचते हैं देवदास की तरह मेरा भी यही मानना है मैं मतलब कि अगर आप कैरेक्टर को उसके बाद एक बार जब कट हो गया जो स्लीव विद देयर अदरवाइज बहुत ड्रेनिंग हो जाता है उसको अगर लेकर जाओ वो भी किया हुआ हमने ऐसा नहीं कि नहीं किया है वो एक फेज था टाइम था जो किया है उसमें रहे लेकिन इट्स नॉट फन इट्स टू ड्रेनिंग एंड देन यू एट सम पॉइंट यू नीड टू कट ऑफ दैट अम्बिलिकल कॉर्ड विद द कैरेक्टर कि बॉस हो गया अभी इसको आपने जिया रहे इल ऑन ऑनेस्टी आपने करने की कोशिश की बस अब वो कितना रिसीव हुआ नहीं हुआ हाँ अपनी खामियों से आप सीखें और उसको रिफ्लेक्ट करके जैसे एक दिन हमारे साथ होता था कि हम लोग का जिस दिन नहीं होता मैं और अनंत कई बार डिस्कस भी करते थे यार मेरा तो बस उसको कैसे फिक्स करेंगे देखेंगे नेक्स्ट टाइम बट देन यू मूव ऑन देर इज नो पॉइंट इन लाइक रिपेंटिंग और वो करने में ठीक है सो जस्ट द पार्ट इन प्रोसेस बट येस इट बिकम्स वेरी ड्रेनिंग उसको मैं तो कभी नहीं लेकर जाता तो राइमा यू नो आपने आजकल तो सब लोग सारे एक्टर्स OTT पे आ रहे हैं आपने तो उस वक्त शुरुआत की थी जब कोई इसे ज़्यादा इंडिया में जानता भी नहीं था पंछी का नाम भी नहीं सुना था सो आई एम श्योर काफ़ी टफ हुआ होगा आपके लिए उस वक्त यू नो टू से येस टू हेलो या परछाइयां वो तो बहुत ही कमाल की सीरीज थी बट हेलो वाज माय फर्स्ट शो इन बंगाल I think that no one had done it. So, and I was the first one. I was approached. So, मुझे तो that time I didn't know. So, I was just doing so many films, and then this came. So, for me, initially when I, you know, it's completely different. In a film, we shoot maybe 4-5 scenes a day, and in a show, maybe we need to finish more than that in a day. So, but I think it was a bit hard initially, but now I enjoy it. I think you get to stay with the character for a very long period of time. And now it's a very enjoyable experience. Different roles, a lot of variety, different content. But that time, yes, I think I didn't know how will it work, will it not work. And it worked, so. Prashant, आपसे तो छल के बारे में तो मैं हमेशा बात करता ही करता हूँ यू नो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का आज दौर चल रहा है OTT पे भी फिल्मों में भी हर जगह पे मलयालम सिनेमा इज ऑल्सो बिगेन कंटेंट इज किंग लेकिन आपने उस वक्त पे ये सब मूवीज़ की थी जो आज भी यादगार है पीपल टॉक अबाउट दोज मूवीज़ बट कहीं पर लगता है कि वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा पहले आ गई फिल्म आ जाती तो कुछ उसका रिजल्ट अलग होता वो तो मैं जो माई भी आप देखोगे तो भी यही बोलोगे
So yeah, this is some kind of a curse which is going around with me, Divya, you know. So, but I guess that's the kind of choices that I've always made in my life, about, especially about roles and stuff. And you see that Vaisa Bhi Hota Hai also, you know, what a film that is, man. You see some, there are, I mean, I can, if I start talking about my films, I mean, it'll take too much of time, you know. But then I've always done things like that, you know. And I, the whole idea is that, you know, even after how many years, you know, you see Chal, you know, even after 40 years, you see Chal, which I did in 2002, you'll still think it's a very present day kind of a thing, you know. That's the whole idea. I don't know how many actors can talk about their films like how I can talk about my films, you know. Very few can talk about their films with so much of this thing. About, not about, I'm not talking about being proud or anything. I'm just talking about it technically, about the entire thing like that, you know. Meri pehli picture mere dil ke kareeb rehta hai, ye sab bakwas nahi karta main, you know. So it's all about doing good work. Yeah, but you rightly said, log aaj bhi baat kar rahe, jabke wo film remake thi, inspired thi, whatever it is, whatever. But performances of, yeah, both of yours was like, no, but I to still say that, you know, Departed was made after Chal. 100%. Come on, Martin Scorsese's, hear this. अनंत सलमान के बिना इस बार कैसा लगा, मतलब आई हैव टू आस्क दैट बिकॉज मेरी टीम से सबका यही था कि ये सलमान के बिना एक जोड़ी हो गई है, बैक टू बैक 3 सुपर हिट्स अगेन उसके बिना. मैंने उनके साथ 3 फिल्में की हैं, मगर लोगों को ऐसा लगता है शायद मैं 10-12 फिल्में कर चुका हूँ उनके साथ, एंड आई थिंक मेजरली बिकॉज ऑफ सुल्तान और उसमें जिस तरह का परफॉर्मेंस था और वो जो भी एक केमिस्ट्री थी उसकी वजह से. मगर ऐसा नहीं है कि मैं उन्हीं के साथ रहता हूं और उनके साथ मेरी कोई जाती दोस्ती ऐसी है कि उनके बिना मैं काम कर रहा हूं तो मेरा मन नहीं लग रहा. ऐसा नहीं है कि मन नहीं लग रहा. बात सिर्फ इतनी सी है कि आप कोशिश करते हैं, आपको अलग अलग तरह के रोल्स करने हैं. बल्कि ये हुआ कि वो फिल्में करने के बाद मुझे बाहर से बहुत दोस्तों के रोल ऑफर होते थे. तब मैं आपका ये जो ये बात है ये मैं कहता था कि अरे उनके साथ बन गया ना दोस्त एक बार, अब मैं किसका दोस्त बनूं. तो वो एक अलग बात है, मगर उनके साथ काम करके मज़ा बहुत आया मुझे दोनों तीनों बार. मगर एक एक्टर का भी मन होता है, क्रिएटिव एलिफेंट भी होता है आपके अंदर ना, उसको भी शांत करना होता है. तो उसके लिए आपको तो अपनी जर्नी में अकेले ही रहना है और आप अपना काम ढूंढते हैं, करते हैं. सुल्तान भी ऐसे ही मिली थी ऑडिशन दे के और उस तरह से. तो अब ये काम मिला है और ये काम बड़ा अजीज है मुझे, तो अब देखते हैं क्या होता है. गुड. एक स्ट्रगलिंग फेज के बाद जब यू नो आपके शोज इनसाइड एज जैसे आते हैं, वो जब पॉपुलर हो जाते हैं, तो उसके बाद कैसे रिएक्शन, दोस्तों के नज़रिया कैसे चेंज होता है, दुनिया का नज़रिया कैसे चेंज होता है? सो करण अंशुमन ने मेरे को अमेजोन के लिए ये एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट रोल्स के लिए मुझे किया था, तब उस पॉइंट इन टाइम जब मीटिंग्स हुई थी, लेकिन वो दिन पैन आउट बिकॉज फिर कोई ब्रीफ चेंज हुआ था तो मैंने मना कर दिया था. फिर उसके बाद आई वॉज बैक टू माई लाइफ. लेकिन इन्होंने फिर किसी कैमियो के लिए अप्रोच किया एंड आई कुडंट से नो. आई वॉज सिटिंग फ्री एंड वॉज शूटिंग वॉज हैपनिंग इन आरे, तो बोलते हैं आ जा प्लीज़ कर, तो आई डिड दैट. तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने आज तक नहीं देखा वो. okay. लेकिन मुझे उसके लिए बहुत लोगों ने कॉल कर करके बोला था कि अरे ये तो देखा. तो I still date don't believe that I've already debuted in OTT like way back. But then बहुत अच्छा experience था वो. But over a period of time I'm really enjoying the process, क्योंकि एक struggle phasing phase जो था, I mean theater से इधर आप jump कर रहे हो between the auditions and then rejecting lot of work, क्योंकि आपको लग नहीं रहा कि वो मिलेगा. और आप अगर एक rut में फंस गए और कहीं आप stereotype हो गए तो एक डर सा रहता था. At the same time conflict भी था कि पकड़े नहीं पकड़े, but I think the patience has paid off, and I mean it's for all of us to see. अब देखते हैं, like keeping my fingers crossed कि कैसे होता है. You know, पिछले 2 साल सिनेमा हॉल्स के लिए काफ़ी टफ रहे थे, बहुत फिल्में चल नहीं रही थी, रिलीज नहीं हो रही थी, लेकिन टचवुड लास्ट 4 मंथ्स हैव बीन वेरी गुड. OTT पे भी काफ़ी अच्छा रहा है, सिनेमा हॉल्स पे भी अच्छा रहा है. स्पाइडरमैन से शुरुआत हुई, पुष्पा, कश्मीर फाइल्स, गंगूबा, RRR, ऑल यू नो मिंटिंग मनी, एंड आउट हियर वी आर हैविंग सम बैक टू बैक बिग शोज कमिंग अप. तो जानना चाहूँगा, एक तो कैसी रही वो फीलिंग, एंड सेकेंडली कुछ फिल्में आपने अगर कोई देखी है, नहीं देखी है या देखना चाहते हैं? It's been a long time since I've entered any cinema hall, you know. But I'm actually, I don't care which movies are releasing. I am very keen about the fact that Mai is releasing. Of course. I really don't give a, you know, anything about kaun RRR, kaun Gangubai, kaun kya. Isse mujhe koi matlab nahi hai.
कोई मतलब नहीं मुझे. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट यू नो दैट समथिंग दैट वी ऑल हैव लाइक रियली वर्कड सो हार्ड अपॉन यू नो ऑन एंड एवरी टेक्नीशियन हैज डन सच अ फैबुलस जॉब इन दिस पर्टिकुलर थिंग. So I'm looking forward to that, man. I'm an extremely selfish person like that. Why should I be bothered about something which I'm not in? You know, I don't care. You know, so I'm very happy about Mai coming on. And on a platform like Netflix, I'm sure the whole world is going to see it. It's going to be seen in different languages. And it is going to be appreciated in every language because of the kind of content that it has and the kind of performances that it has. And, you know, I don't think... I mean, it would be very interesting if some Koreans see this and like it because I'm a huge Korean series and work fan. I think they are. We will take a minimum 100 years to reach the dirtiest Korean program. You know, that's the kind of level that they're already working on. And Netflix themselves, they're like doing a lot of Korean stuff. And you can. I just finished watching Happiness last night. I mean, it's phenomenal, you know. I like Badshah a lot, you know. This, but then I realized that Badshah has totally copied the title track of Happiness for his Jugnu. You know, that's a very stupid thing to do, you know. So, but then you understand that, you know, that they are like so, have diversified into so everybody is watching Korean stuff. Yeah. Everybody is watching Korean. And you're not surprised. You see one, there is... I'm like just sitting and watching them constantly. There is no... I'm watching the subtitles and feeling good about it. True. You know, it's phenomenal stuff. नहीं मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर जवाब हमें से कोई भी दे पाएगा. तो ये बात बिल्कुल ठीक है. हम सब अभी माई ही माई के बारे में बात करते हैं. चलिए तो ये बात सच है कि हम देखना भी माई ही चाहते हैं. हमने भी देखा नहीं अभी तक. हमने सिर्फ काम ही किया उसमें. तो हम खुद भी बड़े उत्सुक हैं इस चीज को लेके कि कैसा आता है शो और कैसे रिएक्ट करते हैं लोग. क्योंकि अभी हम लोग अभी जहन में यही चल रहा है कि ये बिल्कुल वैसा है कि रिजल्ट आने वाला हो अगर आपका करेक्ट जो आपने पर्चे भरे हैं. तो उस वक्त अगर आपसे कोई पूछे कि और बाकी क्या चल रहा है तो आदमी ये कहता है यार अभी रिजल्ट की परवाह हो रही है बस और कुछ नहीं. चलिए तो उम्मीद करते हैं रिजल्ट 100 out of 100 आ जाए. बहुत बहुत थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू दिव्या. थैंक यू.